नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे यूपी उन्नतर शिक्षक भर्ती के बारे में, सेकंड लिस्ट सेफ गुणांक इस पीएस जनरल ओबीसी एसटी एसटी सबके लिए दोस्तों बात करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो की बिल्कुल मत कीजिएगा। कितने पद और शामिल होंगे दूसरी लिस्ट में, भर्ती से स्टे हटेगा या भर्ती रद्द होगी, भाई आपको पूरी जानकारी टोटली इस वीडियो में मिलेगी। भाई प्लीज वीडियो को पूरा देखें, वीडियो की बिल्कुल ना करें। अगर आप दोस्तों यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो, अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो, भाई अगर आप एकदम रियल और सही जानकारी लेना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं गाइज आपका जैसे मना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज चलते एक बार नेक्स्ट पेज पे। तो गाइज यहाँ पे देखिए 29,000 शिक्षक भर्ती 2020 टोटल वैकेंसीज की गाइज मैं बात करूँ आपकी, 69,000 आपकी टोटल पोस्ट है भाई, 29,000 आपकी टोटल पोस्ट है इसमें। और दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल चयनित अभ्यर्थी भाई कितने को यहाँ पे पास किया गया काउंसलिंग के लिए, 67,868 को गाइस यहाँ पे पास किया गया। अब मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और गाइस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 67,867 अभ्यर्थियों को हुआ जिला आवंटित, 68,754 का चयन नहीं। मतलब दोस्तों मान के चलो भाई 67,867 को भाई काउंसलिंग में भाई बुलाया गया था, अब की बार उनको जिला आवंटित किया गया है, लेकिन 68,754 को चयन नहीं मिला भाई। और दोस्तों एक बात भाई ये आता है कि भर्ती पे स्टे लग चुका है, आपको पता भी होगा दोस्तों। अब बहुतों का डाउट ये रहता है कि सर हमारी भर्ती ये रद्द होगी या नहीं होगी, आपको दोस्तों मैं बता दूं भाई आपकी भर्ती भाई बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी दोस्तों। अगर भाई आपकी भर्ती रद्द होती है भाई तो यार मतलब दोबारा मेरिट लिस्ट बनाना बहुत बड़ा काम हो जाता है, दोबारा मेरिट में बच्चों को शामिल करना, पास फेल का मतलब पता करना भाई बहुत बड़ा काम हो जाता है, ठीक है। सो दोस्तों आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी भाई, सरकार की हमेशा ये अपील रही है। अब आप देख रहे हो गाइस न्यूज पेपर में, आप देख रहे होंगे दोस्तों भाई सरकार रोज की रोज अपील कर रही है कि भर्ती रद्द ना हो, ठीक है, भर्ती से स्टे हट जाए आपकी इस भर्ती से। भाई देखिए स्टे हटते ही भाई आप ये मत माने कि आपकी भाई सेकंड लिस्ट स्टे हटते ही लग जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन भाई जो आपकी पहली लिस्ट लगी है भाई काउंसलिंग के लिए, पहले भाई उनका चयन होगा, जितने अभ्यर्थियों ने भाई यहाँ पे फर्जीवाड़ा किया भाई उनको भर्ती से बाहर निकाला जाएगा। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है भाई उनके लिए राहत भरी खबर है फ्रेंड्स, आपका 100% सिलेक्शन इसमें भर्ती में होने वाला जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी है, और जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया गया जिसके भी नंबर 142 143 नंबर थे भाई उन सबको बाहर किया जा रहा है भाई। सबकी भाई स्टेप बाय स्टेप सबकी भाई पूरी जांच करी जा रही है, आप सब देख भी रहे होंगे, ठीक है। आपको दोस्तों मैं एक बार दिखा देता हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे देखिए भर्ती पर रोक के खिलाफ विशेष अपील दाखिल। तो भाई सरकार भाई अपील कर रही है भाई की भर्ती से भाई ये जो स्टे हट जाए, तो आपको टेंशन नहीं लेना भाई, आपकी भर्ती से भाई बहुत जल्दी स्टे हट जाएगा भाई, आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज चलते हैं भाई उसी पेज पे। तो गाइज यहाँ पे देखिए टोटल चयनित अभ्यर्थी 67,868 भाई, मैंने आपको बता दिया है। दूसरी लिस्ट कैंडिडेट है भाई, दूसरी लिस्ट में भाई कितनों के नाम आ सकते हैं भाई, 68,754 भाई ऐसे कैंडिडेट है भाई जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया भाई। देखिए इसमें भाई आपसे एनओसी मांगी गई है भाई, कुछ के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, और भाई कुछ बैक वाले भाई जिनके भाई अपेयरिंग आ रखा है भाई, सो बहुत सारे कैंडिडेट भाई बाहर होने वाले हैं अब की बार फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में, ठीक है। तो बहुत सारा ये डाउट था कि सर मतलब अगर बाहर नहीं हुए तो भाई बाहर कैसे नहीं होंगे, आप मुझे बात का जवाब दो भाई, बाहर कैसे नहीं होंगे ये बताओ, जिनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट्स नहीं है वो बाहर होने हैं, संशोधन का कोई मौका भी नहीं है, पहले ही मतलब साइट पे आ रखा कि आप संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। और भाई एनओसी मांगी गई है, आपको पता है भाई एनओसी ये नहीं कि सबके पास होगी भाई, कुछ के पास होगी लेकिन। और गाइस आपकी जो पिछली भर्ती थी भाई जिसमें की पोस्ट 68,500 पोस्ट थी भाई, उसकी वजह से अभ्यर्थी इस भर्ती में आए हुए हैं, 15,000 समथिंग अभ्यर्थी आए हुए हैं भाई इस भर्ती में, जिनका इसमें सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन इसमें भी उन्होंने फॉर्म फिलअप किया भाई, वो भी बाहर होने वाले हैं। अब बहुतों का ये डाउट रहता है कि सर जो हमारी सेकंड लिस्ट है वो जारी होगी या नहीं होगी, देखिए भाई की सेकंड लिस्ट भाई 100% जारी होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है भाई। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भाई जिन्होंने मतलब की अपेयरिंग वाले हैं, बैक वाले हैं, जो भाई इस भर्ती से बाहर होने वाले हैं भाई, ठीक है, जिनसे एनओसी मांगी गई है, एनओसी भाई सबके पास नहीं होगी, आप इस बात को भी खुद जानते हो, ठीक है। और गाइस नीचे देखिए टोटल फॉर्म फॉर काउंसलिंग, भाई काउंसलिंग के कितने फॉर्म भरे गए, 1,36,621, ठीक है भाई। कितने ने फॉर्म नहीं भरा, 9,439 ने गाइस ये फॉर्म नहीं भरा, मतलब भाई वो किनारे लग चुके हैं, वो भाई इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं, इन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। तो भाई 9,000 पोस्ट आप मान के चलो भाई इनके ऊपर तो भाई काउंसलिंग होनी है, 100% पास करेंगे वो, ठीक है, ये तो है नहीं कि दूसरी मैट लेने लगेगी भाई, दूसरी काउंसलिंग भी आपकी 100% लिस्ट आएगी, ठीक है, ये बात भाई 100% श्योर है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर इस भर्ती में स्टे लग गया है, क्या दूसरी काउंसलिंग भी होगी या नहीं होगी हमारी, तो भाई मैं आपको बता दूं भाई सेकंड काउंसलिंग आपकी 100% होगी, लेकिन जो आपकी पहली काउंसलिंग हुई है भाई, पहले ये जो स्टूडेंट है भाई इनकी काउंसलिंग पूरी कराने के बाद ही आपकी सेकंड काउंसलिंग जारी होगी, ठीक है, लिस्ट जारी होगी आपकी, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देखिए 1133 फॉर एसटी, देखिए भाई आपकी 1133 सीट का भाई रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ भाई, ठीक है, आपको पता भी होगा 1133 सीट भाई आपकी भाई जो एसटी की भाई, इसमें मतलब कि कम स्टूडेंट पास हो भाई, ज्यादा नहीं हो पाए, तो भाई आपकी जो पोस्ट है भाई 1133 पोस्ट बच गई यहाँ पे,
अगर भाई इन पोस्ट को हम एससी में इंक्लूड कर दें दोस्तों, तो आपकी एससी की कट ऑफ भाई बहुत ही कम जाने की आशंका जताई जा रही है भाई, बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी आपकी एससी की। ऐसे गुणांक दोस्तों आप भाई मान के चलो भाई 58-59 समथिंग जाने वाला है आपका। आपका दोस्तों कितना गुणांक बन रहा है भाई, आप प्लीज सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरिट आपकी स्टेट लेवल पे बनेगी। बहुत तो सालों का डाउट था कि सर हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी, जिलावार बनेगी या फिर स्टेट लेवल पे बनेगी। आपको दोस्तों बता दूं भाई, जो आपकी मेरिट लिस्ट बननी है दोस्तों स्टेट लेवल पे बनेगी भाई, जिलावार नहीं बनेगी, ठीक है। गाइस यहाँ पे देखिए, पहले काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें जुड़ सकती हैं, 15 से 20 हजार। हाँ जी भाई, सही सुना आपने दोस्तों, कम से कम भाई 15 से 20 हजार भाई आपकी सीट भाई जुड़ने वाली पहले लिस्ट के बाद, ठीक है। आपके लिए दोस्तों बहुत ही राहत भरी खबर है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत डिमोटिवेट हो रखे हैं, सर हमारा पहले लिस्ट में नाम नहीं आया, हमारा अब आगे क्या होगा। भाई आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं भाई, स्टे हटने के तुरंत बाद भाई पहली काउंसलिंग जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका भी नाम आया हुआ है, उनकी काउंसलिंग होने के बाद उनको बाहर हो जाएंगे। आपको पता है भाई, यानी जिनके पास एनओसी नहीं होगी, जिन अपेयरिंग वाले होंगे, बैक वाले होंगे, वो सब बाहर होने के बाद दोस्तों आपकी सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है। और भाई रही बात स्टे की, स्टे भाई आपका तुरंत हटने वाला है भाई, कुछ ही दिन आपका स्टे हट जाएगा दोस्तों। आपको टेंशन नहीं लेना भाई, रोज की रोज भाई जांच हो रही है दोस्तों। जितने भाई फर्जीवाड़ा जिन्होंने किया दोस्तों, इनको बाहर करने के बाद आपकी दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी को बुला लिया जाएगा फिर से, ठीक है। तो भाई आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें आपकी टोटल पोस्ट के बारे में भाई, जनरल के बारे में अगर मैं बात करूं भाई, आपकी टोटल पोस्ट 34,500 पोस्ट है। ओबीसी की आपकी टोटल पोस्ट भाई 18,630 पोस्ट है। एससी की भाई आपकी टोटल पोस्ट 14,490 पोस्ट है भाई। एसटी की भाई 1380 टोटल पोस्ट है आपकी। पास कैंडिडेट भाई कितने को पास किया आपकी बार, फर्स्ट लिस्ट में हम देख लेते हैं भाई। जनरल में गए आपके पास किए गए 36,614। ओबीसी में भाई आपके पास किए गए 84,868। एससी में आपके पास किए गए 24,308 भाई। एस टी एम पास किए गए दोस्तों 270, ठीक है। आपके भाई कैंडिडेट है जो पास किए गए हैं फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। सेव गुणांक 2020। अगर आपका दोस्तों इतना गुणांक बन रहा है भाई, आपका सेकंड लिस्ट में 100% नाम आने की पूरी पूरी संभावना है, कम नहीं भाई, पूरी पूरी संभावना है। आपका भाई कितना गुणांक बन रहा है, आप प्लीज सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं हम जनरल के बारे में। अगर आप भाई जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपका गुणांक भाई 64+ बन रहा है, आपका श्योर है भाई, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका दोस्तों कितना गुणांक बन रहा है भाई, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हो ओबीसी के बारे में। अगर आपका गुणांक भाई 63.50 बन रहा है भाई, आपका 100% श्योर है भाई सेकंड लिस्ट में। आपका भाई कितना गुणांक बन रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक दो नंबर आगे पीछे रह सकता है आपको, लेकिन दोस्तों ये नहीं कि भाई गुणांक बिल्कुल 4-5 नंबर का आगे पीछे रहेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर आपका नंबर भाई इतना बन रहा है भाई, आपका श्योर है। आपका दोस्तों कितना नंबर बन रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एससी के बारे में। अगर आपका दोस्तों गुणांक 58+ बन रहा है फ्रेंड्स, आपका श्योर है भाई, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका दोस्तों कितने गुणांक बन रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं एमआरसी के बारे में। जो भी कैंडिडेट मतलब जनरल में जो भाई ओबीसी एसटी वाले हैं, जो भी मतलब जनरल से पास होना चाहते हैं, अगर आपके नंबर 63 से 66 बन रहे हैं भाई, आपका भाई श्योर है भाई, आप जनरल से पास हो सकते हो, लेकिन आपके नंबर भाई 63 से 66 होने चाहिए, ठीक है। और अब बहुत सारा डाउट आता है कि सर जो भी फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, एसटी है, उनका क्या होगा सेकंड लिस्ट में। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी भाई थे तकरीबन भाई सबको पास कर देगा फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में, लेकिन भाई फिर भी कोई रह जाता है भाई, आप मान के चलो भाई ऑल आप सेफ हो, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई अगर रहेगा भी भाई, आप सब सेफ हो, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और एसटी, ठीक है। और गाइज बात करते हैं भाई पीएच के बारे में, ठीक है। पीएच में गाइज आपकी दो कैटेगरीज होती है, HIVI, ठीक है। आप भी भाई सेफ हो, जो भी पीएच कैंडिडेट होते हैं भाई, आप सब सेफ हो सेकंड लिस्ट में, या फिर कोई भाई होगा ही नहीं, अगर कोई होता है भाई आप सेफ हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं भाई ओटी के बारे में। अगर आप दोस्तों ओटी से बिलोंग करते हो, आपकी कास्ट भाई जनरल है, अगर आपके नंबर भाई 65+ बन रहे भाई, आपका श्योर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका भाई श्योर सिलेक्शन है सेकंड लिस्ट में। अगर आप दोस्तों ओबीसी से बिलोंग करते हो भाई, अगर आपके नंबर 63+ बन रहे हैं, आपका दोस्तों श्योर, आपके भाई नंबर कितने बन रहे हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एससी के बारे में। अगर आपके नंबर दोस्तों 59+ बन रहे हैं भाई, अगर आपकी कास्ट ओटी है भाई, आप श्योर सिलेक्शन ले पाओगे सेकंड लिस्ट में, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसटी दोस्तों सेफ आल, दोस्तों एसटी का गाइस कोई कैंडिडेट भाई सेकंड लिस्ट में आता है भाई, आप भाई सेफ हो, अगर आप एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो, एसटी वालों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके। एमआरसी के बारे में दोस्तों हम बात करें भाई 65+ वाले भाई, एमआरसी जो भी मतलब जनरल से पास होना चाहते हैं, आपके पास भाई 65+ नंबर होने चाहिए, क्योंकि भाई जनरल में भाई बहुत सारा कंपटीशन होता है आपका। जनरल में कंपटीशन कम नहीं होता, ज्यादा होता है, इस बात को आप खुद जानते हो, ठीक है।
विश यू ऑल द बेस्ट। जितने मेरे भाई बंधुओं ने एग्जाम दे रखा हूँ सबको बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा भाई। मैं चाहता हूँ मेरे सारे भाई बंधु सिलेक्शन ले लें सेकंड लिस्ट में, ठीक है, जिनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं हो पाया। और गाइज आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है भाई आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, आपको कुछ भी जानकारी पूछनी हो सेफ गुणांक के बारे में भाई, आप कुछ भी किसी बात पर डाउट लगता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये भाई चैनल आपका है, आपको सपोर्ट करना है, जितना हो सके भाई सपोर्ट करो भाई, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर पहली बार आओ चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड गाइज थैंक यू सो मच, आपका दोस्तों कितना गुणांक बन रहा है प्लीज सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।